गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे। यानी इससे पहले हमने अभाज्य भाज्य सम विषम संख्याओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ने वाली 2.1, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं के गुणनखंड लिखिए, यानी हमें कुछ एक संख्याएं देगा और उनका गुणनखंड देखना है। और गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी संख्या दी गई है उसमें देखेंगे। जैसे कि हमें पहला क्वेश्चन दिया है 48 के गुणनखंड कीजिए, यानी हमें यहां पे देखना है कि 48 से छोटी कितनी संख्याएं हैं जो 48 को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं। यानी कहने का मतलब है 48 से छोटी वो संख्याएं देखेंगे जिसका 48 में भाग देने पर शेषफल हमेशा जीरो बचता है। जैसे एक तो 48 48 की गुणनखंड करो, 48 की गुणनखंड एक तो एक हो गए क्योंकि 48 में एक का भाग जा रहा है। अब उससे अगला देखेंगे 2। अब देखो इसका इकाई कितना है, सम है। और सम जैसे कि सम है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, सम किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें पूरा 2 का पूरा पूरा भाग ही जाता हो। तो इसका इकाई सम है तो पूरी संख्या ही क्या है, वही सम, यानी इसमें 2 का भाग भी जाएगा। अब देखेंगे क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है, या तो आप अलग से देखे देखना इसे, आपको पता चल जाएगा कि 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है। क्या 18 पूरा पूरा जा रहा। या दूसरा तरीका क्या है कि आप इन दोनों अंकों को जोड़ दो, 8 और 4 कितना हो गया 12। अब चलो 12 में नहीं लेना था आपको, इस दोनों को जोड़ दो, 2 कितना हो गया 3। अब देखो 3 में तो 3 का भाग जाएगा ना, इसलिए 48 में भी 3 का भाग जाएगा। एक बार फिर से देखो 3 से भागता का नियम, जैसे कोई संख्या दे दी 3, 4, 5, 3, 2, यानी हमें बिना देखे ये बताना कि भाग दिए कि 3 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो आप अंकों को जोड़ दो, 2 3 3 6 6 5 11 11 4 15 15 3 18, यानी यो कितना रहा 18। यदि इसका भी नहीं पता आप इन दोनों को जोड़ दो 8 1 9, यानी इसका योग कितना रहा 9, यानी 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आप देख देख लेना पूरा भाग जाएगा, तो आप 3 का सीधा कर सकते हो, तो 8 और 4 12, और 12 में 3 का भाग जाता है तो 48 में भी 3 का भाग जाएगा। एक गुणनखंड क्या हुआ 48। उससे आगे देखेंगे 4 कि 4 का भाग जा रहा है जा रहा कि 4 और 4 2 8, 4 का भाग भी जा रहा है 5। अब 5 का भाग यदि कोई संख्या का इकाई है तो 0 या 5 है तो ही 5 का भाग जाएगा। अब न तो 0 न 5, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। अब 6 का भाग, 6 का देखो जा रहा ना, क्योंकि 6 में 2 का भी जा रहा, 3 का भी जा रहा, इसमें 6 का भी जाएगा। आप देख देख लो 6 8 48 जा रहा है 6 का, 7 से नहीं जा रहा है, 7 और 7 नहीं जा सकते, 8 का जा रहा है, 8 की 48 ना 8 का जा रहा है, 9 का जा रहा है नहीं जा रहा, 9 5 45 नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं, 12 का जा रहा, 12 6 48 12 का ही जा रहा है, 13 का नहीं जा रहा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा, 16 का जाएगा, 16 का 16 3 48, 17 का नहीं जाएगा, 18 का नहीं जाएगा, 19 का नहीं जाएगा, 20 का भाग भी नहीं जाएगा, 21 का भी भाग नहीं जाएगा, 22 का भी नहीं जाएगा, 23 का भी नहीं जाएगा और 24 का भाग जाएगा। यानी आपको अलग अलग भाग देके ही देखना पड़ेगा यदि गुणनखंड याद करना है, सिर्फ गुणनखंड।
यानी 48 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और गुणनखंड ज्ञात करेंगे ये देखेंगे इस संख्या में किस किस संख्या का भाग जा रहा है। तो एक का भी जा रहा है, दो का भी जा रहा है, तीन का भी, चार का भी, छह का भी, आठ का भी, 12, 16, 24, यानी इन इन संख्याओं का भाग जा रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये था, और भी दिए गए जैसे 48 है, 36 है, 28 है, एक और देख लो, जैसे 28 दे दिया, यानी 28 दे दिया, 28 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए, यानी 28 में जिस जिसका भाग जा रहा है सभी को ज्ञात कर रहा है। इसका आंसर आएगा क्या आएगा, 28 के गुणनखंड, 28 में देखो सबसे पहले एक का तो पक्का है, सबका ही होगा, अब देखेंगे दो का जा रहा है, ये एक सम संख्या, इसमें दो का भाग भी जाएगा। अब देखेंगे तीन का जा रहा है, दोनों को जोड़ दो, 8 2 कितना होता है 10, और 10 में 3 का भाग नहीं जाता तो नहीं जाएगा। चार का देखो जाएगा क्या, चार का पढ़ा बोल के देख लो, 4 4 4 8 4 12 4 4 16 4 24 4 27 28 यानी 4 का भी जा रहा है। पांच का नहीं जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक न 0 और न ही 5, तो 5 का नहीं जाएगा। 6 का भी नहीं जाएगा, 6 6 24, और उससे अगर 6 5 30 तो वो बड़ा हो जाएगा तो नहीं जाएगा। 7 का जा रहा, 7 6 28, 8 का जा रहा है नहीं जाएगा, 9 का 9 3 27 नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, अब जाएगा 14 का, 14 2 28 अब नहीं जाएगा। यानी एक का भाग भी जा रहा है, दो का भी जा रहा है, चार का भी, सात का भी, और 14 का भी, यानी इन इन संख्याओं का भाग दे देना तो इसका शेषफल 0 बचेगा। यानी 28 के सभी गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 4 7 14, यानी ये क्वेश्चन आएगा, बल्कि ऐसा कुछ तो नहीं है, और क्वेश्चन आएगा तो क्या, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पूछेगा और कोई दूसरी विधि से पूछेगा, सिर्फ एक ही पूछेगा, इसलिए सभी पूछेगा, तो सभी पूछेंगे तो ये देखेंगे कि किस किसका भाग जा रहा है। इससे अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। अभी आ गया प्रथम, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम 5 गुणज। सबसे पहले तो ये देखना कि गुणज होता क्या है, गुणज यानी एक पहाड़ा, आपको पहाड़ा ही देखना, जैसे 2 का गुणज पूछ लिया तो 2 का पहाड़ा लिख दो, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 8, 3 का दिया तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 12, यानी 5 तक लिखना है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है 7 के प्रथम, यानी पहले पहले बताने हैं प्रथम 5 गुणज, प्रथम 5 गुणज, 5 कौन कौन से होंगे, 7 1 7 7 2 14 7 3 21 7 6 28 और 7 5 35। यदि पढ़ा नहीं आता है तो गुणा कर करके देख लेगा, जैसे 7 1 7, 7 को 2 से कर लेना 7 2 14, 7 को 3 से करके देख लेना 7 3 21, 7 को 4 से कर लेना 7 6 28, और 7 को 5 से करके देख लेना 7 5 35, ऐसे लिख सकते हैं। इससे अगला ये एक और दिया गया 15, यानी 15 के 5, अब की बार कौन सा दे दिया 15 के प्रथम 5 गुणज बताइए। आप 15 के बता दें तो 15 के कौन कौन से होंगे, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 6 60, और 15 5 75, यानी कहने का मतलब है आपको ना पहाड़ा लिखना है, यानी प्रथम 5 गुणज मतलब पहाड़ा लिखना, कितने कहते 5 तक, यानी 15 तो 15 को भी शामिल करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप बीच वाला लिख दो, वो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10 से 30 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे दिया, 10 और 30 के बीच, 10 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं बतानी है, यानी 10 से 30 के बीच सभी
ही अभाज्य संख्याएं। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। भाज्य संख्याएं यानी वे संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भी भाग जाता है वो तो भाज्य होती है, और अभाज्य कौन सी होती है? देखो अभाज्य यानी खुद या स्वयं, एक ही बात है, स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। तो वो संख्याएं देखेंगे सिर्फ खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, कहां से? 10 से लेकर 30 तक। आपने काम लिख लेने के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यानी 10 से लेकर 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याएं बताने, यानी अभाज्य संख्याएं बराबर। इन सबसे मिला के ऊपर गोला कर लेना, जैसे 10 है, अब बताओ 10 भाज्य का भाज्य, 10 में तो 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 10 यानी तो कौन सी होगी भाज्य? 11, 11 में सिर्फ 11 का जा रहा है, यानी एक ही होगी। इससे आगे चलो 12, देखो 12 में 2 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 3 का भी, तो 12 की क्या होगी भाज्य होगी। 13, 13 में सिर्फ 13 का जा रहा है, इसके ऊपर भी गोला कर लूंगा। अब आगे 14, 14 में 2 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 14 का भी जा रहा है, यानी क्या होगी भाज्य। 15, 3 का भी जा रहा है, 5 का जा रहा है भाज्य। 16 में 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 16 का ये भी भाज्य। 17, 17 में सिर्फ 17 का जा रहा है, तो अभाज्य इसके ऊपर भी गोला कर लूंगा। 18, 9 का भी, 2 का भी, 6 का भी, तो भाज्य। 19, 19 में सिर्फ 19 का जा रहा है। 20, 20 में 10 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो भाज्य हो गए। 21, 3 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 21 का भी जा रहा है, तो भाज्य। 22 में 11 का भी जा रहा है, 2 का भी और 22 का भी, तो ये भी भाज्य। 23 का, 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, तो ये क्या होगी अभाज्य। 24, 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी और 24 का भी, तो भाज्य। 25 में 5 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है, भाज्य। 26 में 13 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 26 का भी, ये भी भाज्य। 27 में 3 का भी, 9 का भी, 27 का भी, ये भी भाज्य। 28 में 14 का, 2 का, 28 का, यानी भाज्य। 29, यानी 29 में सिर्फ 29 का ही भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, और 30, 30 तो है ही क्या भाज्य। तो कौन कौन सी संख्या, कितनी संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी वो संख्या लिखनी है, यानी 11, 13, 17, 19, 23 और 29, यानी 10 से 30 के बीच में सभी अभाज्य, और 10 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य हो गई? 6 अभाज्य संख्याएं हो गई। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं लिखिए, यानी मैंने बताया था ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? यानी आप काउंटिंग करते रहते, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक ने तो भाज्य है, भाज्य इसको तो हम काट दें। अब 2 है, देखो 2 ने सिर्फ 2 का ही जाना और किसी का नहीं जाना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। और यदि इसके विपरीत पूछ ले कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य की बात है। अब आ गई भाज्य संख्या, कौन सी देख रही है? सबसे छोटी भाज्य, यानी इसके विपरीत पूछ रहा ना, सबसे छोटी,
तो देखो एक में तो भाज्य नहीं, भाज्य दो, दो में दो खा जा रहा है तो यह भाज्य होगी, तीन, तीन में भी तीन खा जा रही है, चार। यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार। यदि पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा चार था। इससे अगला है क्वेश्चन नंबर पांच। क्वेश्चन नंबर पांच है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का छह एक गुणनखंड है? यानी हमें कुछ एक संख्याएं दी गई जैसे छह, दस, बारह, पंद्रह, अठारह, पच्चीस, तीस, अड़तीस और छियालीस। पच्चीस, तीस, अड़तीस और छियालीस, यानी हमें छह एक गुणनखंड, इन संख्याओं में से ना छह किस किस का गुणनखंड है? तो देखो एक तो छह का हो गया ना, क्योंकि छह में छह का भाग जा रहा है, तो छह हो गया। दस, क्या दस में छह का जा रहा? नहीं। बारह में जा रहा ना, तो बारह। पंद्रह में नहीं जा रहा, अठारह में जा रहा तो अठारह। चौबीस में नहीं जा रहा, तीस में जा रहा तो तीस। मैं अड़तीस में जा रहा हूं, मैं छियालीस में। किस किस संख्या का छह एक गुणनखंड है? तो एक, दो, तीन, चार, चार संख्याओं का छह एक गुणनखंड है। इससे अगला क्वेश्चन है कि ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जो चार व छह दोनों की गुणज हो। यानी अगली बार दो देगी, चार व छह दोनों की गुणज, और कितनी? तीन संख्याएं बतानी हमें, गुणज तीन संख्याएं ज्ञात करो। यानी जिसमें चार का भी छह दोनों का भाग जाएगा वो तीन संख्याएं बतानी है। आप चार का गुणज का मतलब क्या होता है? पाड़ा ही, तो पाड़ा ही क्यों? चार एक चार, चार दो आठ, चार तीन बारह, चार छह सोलह, चार पंच बीस, चार छह चौबीस, चार सात अट्ठाईस, चार आठ बत्तीस, चार नौ छत्तीस और चार दाए चालीस। अब छह का निकलो, छह कम छह, छह दून बारह, छह तीन अठारह, छह चौक चौबीस, छह पंच तीस, छह छह छत्तीस, छह सात बयालीस, छह आठ अड़तालीस, छह नौ चौवन और छह दाए सात। यानी इन दोनों में ना समान, जैसे चार है इसमें चार है नहीं है छोड़ दो, आठ है इसमें आठ है नहीं छोड़ दो, यहां बारह है तो इसमें भी देखो बारह है क्या ले रहा, एक तो हमारा ही हो गया। उससे आगे चलो, सोलह इसमें है नहीं है, बीस इसमें है नहीं है, चौबीस इसमें है, एक ये हो गया दोनों का। इसके आगे अट्ठाईस है इसमें नहीं है, बत्तीस है इसमें नहीं है, छत्तीस है इसमें है, इसमें भी छत्तीस है तो इसमें भी छत्तीस है। बस तो हमें कितने तीन ही तो देख रहे, तो एक दो तीन, तो चार व छह के गुणज कौन कौन से हैं? बारह, चौबीस व छत्तीस है। देख लो दो के चार का भी जा रहा है, छह का भी जा रहा है, चार का भी, छह का भी, चार का भी, छह का भी। यानी हमारी 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब इसमें कुछ सत्य व असत्य दिए गए हैं, वो आप कर लेना। अब इससे अगले एक्सरसाइज है 2.2, वो हम कल करेंगे। ओके।